सोलो सिकवा के ब्लडलाइन में जब टामाटुंगा और टांगर लियो आए थे तो ऐसा लग नहीं रहा था कि इनकी ब्लडलाइन का कुछ हो सकता है। सबको ये कह रहे थे कि सोलो सिकवा ने जिमी उसोस को निकाल के बहुत गलत काम किया और अब सोलो को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और इनकी ब्लडलाइन में कोई दम भी नहीं लग रहा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वही ब्लडलाइन है जो कि एक टाइम में डब्ल्यूडब्ल्यूई की मोस्ट डोमिनेटिंग टीम हुआ करती थी। रोमन रेंस के जाने के बाद ऐसा लग रहा था कि अब ब्लडलाइन कभी भी ऊपर नहीं जा पाएगी, लेकिन तब अचानक सोलो की टीम में आए जेकब फाटो जिसे डब्ल्यूडब्ल्यूई ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि इन्हें दर्द नहीं होता, इन्हें कोई नहीं रोक सकता। यहाँ तक कि जेकब फाटो ने DIY यानी कि करेंट स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियंस के ऊपर अकेले ही अटैक किया और अकेले ही जॉनी गार्गानो और टोमेस्टो चैंपा जैसे सुपरस्टार को मारा। ये दिखा दिया जेकब फाटो ने कि उनमें दम काफी ज्यादा है, पावर काफी ज्यादा है और वो किसी से नहीं डरते। अपने डेब्यूट मैच में ही जेकब फाटो ने सबको ये दिखा दिया कि वो अकेले ही दो के बराबर है और सोलो सिकवा की इस ब्लड लाइन में जब से जेकब फाटो आए हैं तब से इस ब्लड लाइन में ऐसा लग रहा है कि ये ब्लड लाइन अब कुछ कर सकती है, कुछ कमाल कर सकती है। और ऐसा ही हुआ क्योंकि जेकब फाटो के आने के बाद सोलो ने सबसे पहले रैंडी ऑर्टन को इंजर्ट किया, कॉडी रोज को बांध दिया और कॉडी रोज के सामने रैंडी ऑर्टन को इंजर्ट किया और उसके बाद केविन ओवेंस को इंजर्ट किया और अब सोलो चैलेंज कर रहे हैं कॉडी रोज को और जेकब के वजह से ऐसा लग रहा है कि शायद सोलो कॉडी रोज को हरा के न्यू चैंपियन बन सकते हैं। और अब डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस के दिमाग में सिर्फ एक सवाल है कि जेकब फाटो और सोलो सिकवा को कौन रोकेगा। इसका जवाब हम सब बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। उस शख्स का नाम है फॉर्मर अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यूई यूनिवर्सल चैंपियन द रियल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को ये बताया था कि समर स्लैम में रिटर्न आने के बाद रोमन रेंस ब्लडलाइन यानी कि सोलो और पूरी की पूरी ब्लडलाइन के ऊपर अटैक करेंगे, उन्हें सबक सिखाएंगे। अगर आपने उस वीडियो को मिस कर दिया है तो उस वीडियो को भी जाके जरूर देखिए, उस वीडियो में मैंने डिटेल में सब कुछ समझाया है। लेकिन यहाँ पर एक और रूमर्स भी सामने आ रही है कि रोमन रेंस अकेले नहीं आएंगे, रोमन रेंस किसी एक ऐसे इंसान को अपने साथ लेके आएंगे जो कि रोमन रेंस की मदद करेगा। अब रोमन रेंस के फॉर्मर इन्फोर्सर रह चुके हैं सोलो, तो इस बार रोमन रेंस किसे अपना इन्फोर्सर बना के लाएंगे और क्या वो जेकब फाटो जैसे सुपरस्टार यानी कि जायंट सुपरस्टार का मुकाबला कर पाएगा या नहीं, क्योंकि जेकब फाटो को तो डब्ल्यूडब्ल्यूई एक जायंट सुपरस्टार और एक पावरफुल सुपरस्टार बनाने की पूरी कोशिश में है, तो अब जो सुपरस्टार उसे टक्कर लेने वाला है उसे भी जायंट होना चाहिए। तो रोमन रेंस के साथ समर स्लैम में कौन रिटर्न आ सकता है, इस बात की रूमर सामने आ चुकी है, तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मिस करने की गलती बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को मिस कर दिया तो आप लोग एक बहुत बड़ी अपडेट को मिस कर देंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको रोमन रेंस के साथी का नाम बताऊं, अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और शेयर नहीं किया तो प्लीज शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए जानते हैं कि समर स्लैम 2024 में रोमन रेंस किसे लेके आएंगे। ये तो कंफर्म है, लगभग 100% कंफर्म है कि सोलो सिकवा और कॉडी रोज के मैच में रोमन रिटर्न आने वाले हैं। तो रोमन रिटर्न आके क्या करेंगे मैं आपको बताता हूँ। रोमन रिटर्न आके पूरी की पूरी ब्लडलाइन के ऊपर अटैक करेंगे और रोमन रेंस के साथ एक और साथी रहेगा, एक और जाइंट, और उस जाइंट का नाम है टालाटुंगा। हाँ दोस्तों, टालाटुंगा अब डेब्यूट करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में। उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई के कॉन्ट्रैक्ट को साइन भी कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने से पहले वो NJPW का एक बहुत बड़ा नाम थे, वो वहाँ के टैग टीम चैंपियन भी रह चुके हैं और अब फाइनली टालाटुंगा डेब्यूट करने वाले हैं समर स्लैम 2024 में और रूमर से आ रही है कि वो रोमन रेंस का साथ देंगे जेकब फाटो के अगेंस्ट, क्योंकि टालाटुंगा भी एक जाइंट है और एक जाइंट जैसे दिखते हैं पावरफुल है और उनकी और जेकब फाटो की फाइट डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आएगी, क्योंकि सोलो की टीम में अगर एक जाइंट है तो रोमन की टीम में भी एक जाइंट होना ही चाहिए, तभी तो दोनों इक्वल लगेंगे, तभी तो दोनों बराबर लगेंगे और फिर तो ब्लडलाइन के सिविल वॉर में डब्ल्यूडब्ल्यूई फैंस को मजा आएगा। तो दोस्तों आप लोग भी टालाटुंगा के डेब्यूट का इंतजार कीजिए और मैं मिलता हूं आपसे थोड़ी देर में डब्ल्यूडब्ल्यूई के नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय, टाटा, सी यू।